ही बकिए में अलम काजी का लहराएंगे। ओ जाए बीबी फातिमा, ओ जाए बीबी फातिमा, इंशाल्लाह बनाएंगे। रब्बकुम अलआला, मेरे से बड़ा तो कोई रब ही नहीं है। फिरौन रोक पाया नहीं, रोक पाया क्यों? क्योंकि जिस दरिया को खुशकी में असा बदल सकती है, वही इस दौर में सिराते मुस्तकीम तक पहुंचा सकता है। वही है अल्लाह। कहां रोक सकते हो तुम? कुछ भी कर लो। वहां एक असा ने, असाए मूसा बेइज़्ने खुदा रास्ते बना गई, तो यहां जो आने वाला है वो तो सारे अंबिया का वारिस है। ये सिर्फ दरियाओं में नहीं है, तो हवाओं में भी रास्ते बना देंगे। इसलिए रिवायत है पांचवें इमाम इमाम बाकर अलैह सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम से रिवायत है, इमाम कहते हैं कि हमारे आखिरी के जो सहाबी होंगे या सहाब होंगे वो कैसे होंगे? वो एक कदम बढ़ाएंगे तो अगला कदम मदीना में होगा। वो इरादा करेंगे तो दरख्त अपनी जगह छोड़ देंगे। वो इतने मौकम इरादे के मालिक होंगे तो ये क्या करेंगे? बस मुश्किल एक से है, उसी के लिए सारा आपको जो भी ड्रामा नजर आता है घूम फिर के। ये नहीं कि बीमारी नहीं है, बीमारी अपनी जगह पे है, वायरस है लोग बहरहाल, लेकिन उसके आप एहतियात करें। ये नहीं कि आप बोले हमने एहतियात नहीं, एहतियात करें, लेकिन सिनेरियो सारा यही है पीछे कि उस एक को कहाँ है, अभी कहाँ है, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो आया तो ये सब पलट देगा। वो यही हुआ करबला में, वो समझ रहे थे कि हम अपनी तरफ से कामयाब हो जाएंगे, यहाँ पर आएंगे सबको ख़त्म कर देंगे, ये बात यहीं रह जाएगी। ये तो खुदा जिसे चाहे, खुदा ने करबला को करबला मौल्ला बना दिया। खुदा का निज़ाम है, खुदा जैसे चाहे जिस तरह चाहे अपने आप को जो जितना बंदगी के मकाम पर बुलंद करता है, खुदा उतना कायनात को उसके आगे खोलना शुरू कर देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुछ था खुदा की राह में दे दिया, कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, कुछ मांगा नहीं खुदा से, खुदा ने पूरी खुदाई हुसैन को दे दी। इन्नल हुसैना मिसबाउल हुदा व सफीना तो निजात, निजात की किश्ती बन गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। खूबी आखिरी भी ऐसे ही है, बात यह है कि हम अपने आप को उस मकाम पे लाएं कि इमाम मेरा और आपका इंतखाब करें,